नमस्कार, दीपार सिम्बिर कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पोटैटो सूप बनाना बताऊंगी, जो कि 100% स्किन वाइटनिंग में इफ़ेक्टिव है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। क्योंकि इस मार्केट के सूप में इतना केमिकल होता है, जिसके इस्तेमाल से हमारी स्किन रूखी और बेजान हो जाती है। हमने एक यहाँ पे आलू लिया है, इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसको पहले हम कद्दूकस कर लेंगे। हमें इसका रस निकालना है, इसलिए हम कद्दूकस कर रहे हैं। आलू में विटामिन ए, बी, सी, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर्स, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे स्किन के दाग धब्बों, झाइयों को दूर करने में सहायता करता है। आलू सनबर्न और टैनिंग को दूर करता है। अब हम आलू को एक छन्नी की सहायता से छान लेंगे, इसका जूस निकाल लेंगे हम। ये देखिए, हमने आलू का जूस निकाल लिया है। इसको आप सूती कपड़े से भी छान कर निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर एक डव सोप लिया है, जो कि हमारे स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे, बहुत आसानी से ग्रेट हो जाएगा ये। सबसे पहले हम एक बोल में ये ग्रेट किया हुआ सोप डाल देंगे। अब इस पर हम 3-4 टीस्पून पोटैटो जूस डालेंगे। जूस को हम चला लेंगे इस तरह से। हमने यहाँ पे नेचुरल एलोवेरा लिया है, इसका हमने जेल निकाल कर बस हल्का सा चलाया है मिक्सी में एक बार, और इसको मिलाएंगे हम 2 टीस्पून। ये 2 टीस्पून है। इसकी जगह पर आप पतंजलि एलोवेरा जल ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बादाम का तेल। अगर आपकी स्किन ऑयली है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर 2 एवियन यानी कि विटामिन डी के कैप्सूल लिए हैं, जो कि हमारे फाइन लाइन और रिंकल्स को हटाने में मदद करता है। थोड़ा इसको हम कट कर देंगे और इसे मिला देंगे। अब इसे हम डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट कर लेंगे। तो हमने एक बड़े बर्तन में 3/4 बर्तन हिसाब से पानी लिया है। पानी को गर्म होने देंगे। अब इसको हम पानी के ऊपर बाउल को रख के मेल्ट कर लेंगे। देखिए, मेल्ट होना शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल ये स्मूथ पेस्ट की तरह बन गया है। अब यहाँ पर हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसको हम सोप का शेप देने के लिए हमने यहाँ पे 2 आइसक्रीम के कप लिए हुए हैं, इसमें डाल देंगे। अब इसे हम 3-4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 5-6 घंटे हो गए हैं। हमने देखिए सोप को निकाल लिया फ्रीजर से। अब इसको हम इस तरह से पीछे से पुश करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सोप बन के तैयार हुआ है। पोटैटो स्किन वाइटनिंग सोप बन के तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।